बाद एक दिक्कतों के साथ दबंग को जूझना पड़ता है। एक बार फिर सलमान मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल सलमान अपने चाचा आयुष शर्मा को बॉलीवुड में फिल्म लव यात्री से लॉन्च कर रहे हैं और इसी फिल्म के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप सलमान पर लग रहा है। लव रात्रि के नाम को लेकर हो रहे विरोध के बाद सलमान खान ने अपनी फिल्म के नाम को भी बदल दिया, लेकिन फिर भी सलमान खान के नाम FIR दर्ज हो गई है। फिल्म के पुराने नाम को लेकर सलमान और अन्य लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। वहीं फिल्म को बैन करने की अपील को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना और सनातन फाउंडेशन ने भी मामला दायर किया है। इस याचिका में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगा है। आरोप लगा है कि फिल्म के नाम में नवरात्रि के पवित्र उत्सव का मजाक बनाया गया है। ये भी आरोप लगा है कि फिल्म में अश्लीलता है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। फिल्म 5 अक्टूबर को रिलीज होनी है। इस फिल्म से आयुष शर्मा और वरीना हुसैन बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। अब इस विवाद के बाद सलमान खान इससे कैसे निपटते हैं वो देखने वाली बात होगी।